पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत गरेडे विधानसभा के बूथ नंबर 190, बक्सीडीह के वार्ड नंबर 21 के बसेरिया प्राथमिक विद्यालय प्रांगण में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती मनाई गई। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि झारखंड प्रदेश भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, कोडरमा के पूर्व सांसद डॉक्टर रविन्द्र कुमार राय उपस्थित थे। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में जिला परिषद के उपाध्यक्ष कामेश्वर पासवान, भाजपा के जिला अध्यक्ष महादेव दुबे, उप मेयर प्रकाश सेठ, सुभाष सिन्हा, सोनू एजाज, किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष दिलीप वर्मा, रण बहादुर पासवान, नगर अध्यक्ष अमित पासवान, सदानंद राम, सुरेंद्र रजक सहित कई लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम के आयोजक उमेश दास और सह संयोजक चतुर दास थे। वहीं अध्यक्षता पूर्व मुखिया ईश्वर दास ने की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉक्टर रविन्द्र कुमार राय ने कहा कि गरीबों का उत्थान करना पंडित दीनदयाल उपाध्याय का मुख्य एजेंडा था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय 8 साल के थे जब उनकी माँ का देहांत हो गया। जब 9 साल के हुए तो उनके पिता का देहांत हो गया। उन्होंने मामा के घर में रहकर पढ़ाई की और गरीबों के लिए काम किया। आज भारतीय जनता पार्टी अंत्योदय योजना के तहत कार्य कर गरीबों का उत्थान कर उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि देने का काम कर रही है। एकात्म मानववाद की भावना, शरीर मन बुद्धि आत्मा से गांव गरीब किसान के लिए हम कुछ करें और अपना पुरुषार्थ, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इसको सहयोगी बनाकर अपना जो भारतीय जनता पार्टी का दीनदयाल जी ने जो व्रत हमने दिया है उस व्रत को हम पूरा करेंगे, ऐसे भावना से प्रेरित होकर आज हम गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र के बूथ संख्या 190 ग्राम बसरिया में हम आज ये कार्यक्रम यहाँ मना रहे थे। यहाँ अधिकांश हमारे दलित बंधु हैं, अनुसूचित जाति समाज के कार्यकर्ता लोग हैं, यहाँ की जनता है और वो सीसीएल से आवास नहीं बनने देने का जो अब फरमान जारी है, यहाँ सरकार के सारे भवन बने हैं, हॉस्पिटल बना, स्कूल बना, कस्तूरबा विद्यालय बना, पुलिस लाइन बना, कई सरकारी कार्यालय बने, पर गरीबों के यहाँ के रहने वाले बेघर लोगों के लिए प्रधानमंत्री आवास का एनओसी नहीं मिल रहा है, ये बात उठी है। हम आज दीनदयाल जी को साक्षी रख करके, उनकी स्मृति को साक्षी रख के हम ये संकल्प लेते हैं कि इन्हें प्रधानमंत्री का जो गरीबों के कल्याणार्थ आवास योजना है उसको यहाँ फलीभूत करने के लिए हम संघर्ष करेंगे और कानूनी और प्रशासनिक लड़ाई लड़ने का भी हमने आज संकल्प लिया है। हमने उस अंत्योदय गांव को उदय करने के लिए आज 190 बूथ संख्या जो गिरिडीह विधानसभा के नगर निगम क्षेत्र के बसेरिया गांव में पड़ता है, आज उस अंत्योदय इस गांव को उदय करने के ख्याल से इस बसेरिया का दलित बाहुल गांव में रखने का काम किया है। हम धन्यवाद देते हैं जिला अध्यक्ष, धन्यवाद देते हैं सांसद महोदय को, धन्यवाद देते हैं डिप्टी मेयर को, किसान मोर्चा के अध्यक्ष को, उपाध्यक्ष को, महामंत्री को, सारे पदाधिकारी को कि आ करके यहाँ के समस्याओं से रूबरू हुए और आज वचन लिए कि जिस प्रकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अंत्योदय का उदय करने के लिए वचन लिया था, आज हमारे सब भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता वचन लिए हैं कि इस गांव में जो समस्या है, जो यहां उदय नहीं हुआ अंतिम लोगों को, उसके संघर्ष करके और यहां के अंत्योदय करने का काम करेंगे, अंतिम लोगों को उदय करेंगे, चाहे प्रधानमंत्री के आवास के संबंध में हो, चाहे शौचालय के संबंध में हो, चाहे जल नल योजना के संबंध में हो, चाहे कोई भी सरकारी योजना के लिए है, इसको संघर्ष के बदौलत हम लोग अंत्योदय को उदय करेंगे।